प्रदेश के मुरादाबाद में आबकारी विभाग ने मुखबिर की सूचना पर छापामारी करते हुए दो अलग अलग थाना क्षेत्रों से बड़े पैमाने पर 732 पेटी अवैध शराब बरामद की है। इस कार्यवाही में टीम ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है और एक ट्रक और एक बाइक भी बरामद की है। अधिकारी के अनुसार अन्य प्रदेश से तस्करी कर लाई गई इस अवैध शराब को मुरादाबाद में ही खपाया जाना था, लेकिन उससे पहले ही कार्यवाही कर दी गई। फिलहाल आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है, जबकि दो अन्य साथी तस्कर फरार बताए जा रहे हैं। अवैध शराब की कीमत लगभग 33 लाख रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार आबकारी अधिकारी कुलदीप मिश्रा के अनुसार उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी कि थाना मैनाठेर क्षेत्र के गाँव एहादपुर में अवैध शराब से भरा हुआ ट्रक मौजूद है और किसी अन्य प्रदेश की सैकड़ों पेटी शराब है। लिहाजा जिला आबकारी अधिकारी ने डीएम एसएसपी सहित आबकारी विभाग के अधिकारियों को सूचना मिलने की जानकारी देने के बाद टीम बनाकर वहां छापा मारा तो सूचना सही निकली और हरियाणा से ट्रक में छिपाकर लाई गई अवैध शराब की 705 पेटियां बरामद कर मौके पे शेरोज नाम के व्यक्ति को हिरासत में ले लिया गया। जब उससे पूछताछ की गई तो रियाज और जावोद के नाम भी सामने आए। आबकारी अधिकारी के अनुसार अभी ये कार्यवाही चल रही है और थाना कटघर इलाके में भी एक मकान में अवैध शराब रखे होने की दूसरी सूचना प्राप्त होने के बाद वहां भी आबकारी टीम ने छापा मारा तो 27 पेटी अवैध शराब की बरामद कर ली गई और मौके से एक तस्कर गिरफ्तार कर बाइक भी बरामद कर लिया गया। पकड़ी गई अवैध शराब की कीमत 33 लाख रुपए बताई जा रही है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम और अन्य गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही शुरू कर दी गई है। ये जो है शराब मैनाठेर थाना के अंतर्गत जो है अहलादपुर गांव में रात में सूचना मिलने पर पकड़ा गया और ये लोग बाहर से शराब लाए हुए थे अन्य प्रांत की, जो मुरादाबाद में इनको उपभोग कराना था अवैध शराब की। डीएम साहब और एसएसपी साहब को अवगत करा दिया गया और विभाग के उच्च अधिकारियों को भी अवगत करा दिया गया और हमारी टीम बनाई गई, कई प्रकार की टीमें थी। वो जा कर के फिर जब तलाशी लिए गांव के अंदर अहलादपुर में तो वहां ट्रक मिल गया था। मुखबिर ने जो बताया था वो सूचना सही निकली और इस तरह से कुल 705 पेटियाँ बरामद की गई। सर कितनी कीमत बताई जा रही है? ये इसकी कीमत लगभग 33 लाख रुपये आएगी। शराब में ब्रांड मैकडॉवेल नंबर 1 है और रॉयल चैलेंज है, इम्पीरियल ब्लू है, ये सब हैं ब्रांड। हाँ, मुकदमा दर्ज कराया गया है आबकारी अधिनियम 63 में और 72 में। इसके अलावा आईपीसी की धारा 419 और 420 और 120 बी भी शामिल किया गया है। एक आरोपी मौके से पकड़ा गया है और उसने 2-3 लोगों के नाम बताए हैं, जिसमें से रियाज हैं, जावेद हैं और सहरोज मौके से पकड़ा गया है। अच्छा, ये कहाँ का सप्लाई होनी थी? ये चोरी छुपे लाए थे और अभी इनसे पूछताछ की जा रही है। जैसा अनुमान है कि मुरादाबाद में ही कहीं न कहीं उपभोग कराते हैं। अच्छा, कहाँ से लाई गई थी शराब? अभी इनसे पूछताछ की जा रही है, हरियाणा से बता रहे हैं। हाँ, उसके बाद इसी क्रम में जो है और सूचना मिली सुबह ही, फिर एक टीम और बनाई गई तत्काल मौके पर। वहाँ पे 27 पेटी शराब बरामद की गई जो कि पार्टी स्पेशल ब्रांड की थी और वहाँ मौके पर एक बाइक भी, स्प्लेंडर बाइक भी बरामद की गई है। वो सर कहाँ से बरामद हुई? ये कटघर में लाजपत नगर से। थाना मैनेजर में शराब पकड़ी गई है, कौन सी शराब है, कितने लोग पकड़े गए हैं, पूरा मामला क्या है? थाना मैनाठेर और आबकारी टीम ने संयुक्त रूप से एक ट्रक और एक अर्टिका गाड़ी रात्रि में सूचना पर पकड़ी है और इसमें 723 पेटी अवैध शराब जो अरुणाचल प्रदेश की मार्का की है, ये ग्वालियर से अरुणाचल प्रदेश भेजी जाती है, जो यहाँ पर ले आई गई थी। इसमें एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, वाहन को व माल को बरामद कर लिया गया है, अन्य अभियुक्तों की तलाश जारी है। शराब कहाँ ले जाई जा रही है?
ये शराब यहीं पे अभी बताया गया है, अभी जो इसके मेन सरगना है वो फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। गिरफ्तारी के उपरांत और डिटेल ज्ञात हो पाएगा। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करें, हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।